बाप नाग भारी है बाप रे ये दोस्तों आज आए हैं हम तैड़ की खुदाई करने के लिए। वैसे तो गंगा कब शिवरात्रि में रहता है ना, इसका मेन मेन शिवरात्रि में रहते हैं, निकालते हैं तो ये सड़ जाता है। फलाहार जब करते हैं ना शाम को व्रत तोड़ने के बाद, तो इसी का फलाहार करते हैं तैड़ का। तो हमारे कुमाऊं में तो इसे तैड़ कहते हैं। आपकी गढ़वाल में क्या कहते हैं बताना जरा कमेंट करके, और बाकी जो और जगह से लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग भी बताना। एक तरह से कंदमूल है ये पहले के लोगों का। दोस्तों अभी तो खुदाई शुरू की है, काफ़ी गहराई तक खोदना पड़ेगा। करीब करीब 3 से 4 फुट की गहराई में होता है ये तैड़। वो देखो तैड़ू महाशय अंदर छुप के बैठे हैं। लो जी गंगा की अगली डिमांड है सब्बल। सब्बल है ये, सब्बल है ना। लो गंगा सब्बल, आपसे बड़ा है ये। अब सब्बल से खुदाई कर रहे हैं तो तैड़ जल्दी बाहर आएगा। ये लीजिए पति महाशय भी आ गए हमारे। ये देखो आखिरकार निकाल ही दिया तैड़ू महाशय को। काफी वजनी है ये, खापी के मोटे हो रखे थे जमीन के अंदर, करीब 2-3 किलो का तो होगा ही। चलिए तैड़ू को छोड़ते आगे बढ़ते हैं। और ये है कीवी की बेल, करीब 2-3 साल हो गए इसे भी लगाए हुए, छोटे छोटे फल आने शुरू हो गए हैं। जूम करके दिखाती हूँ, छोटे से हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, और लगी है गंगा कंटिन्यू खुदाई में। काफल तो अब हाथ आएंगे नहीं, वैसे पेड़ों में जंगलों में लगना तो शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े, हमारे जाने के टाइम तक वो फलने लग जाएंगे। देखो अब क्या होता है। ये देखो गंगा ने एक और तैड़ निकाल दिया। गंगा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सोच रही है 2-4 मोटे मोटे तैड़ू हाथ आ जाए तो दिन बन जाए। ये देखो दोस्तों जड़ देखिए कितनी गहराई तक गई हुई है, लगातार खोदती जा रही गंगा। इसी तरह की 2-3 जड़े और दिख रही होंगी आपको, भारी भरकम जड़े हैं ये, धनुष की तरह। ये देखो 2 आदमी को लग के उठाना पड़ रहा है इसे। इसका आकार ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई धनुष हो। अभी देखिए और भी जड़े हैं इस तरह की कई। ये पिछले साल खुदाई ना करने का नतीजा है कि ये खा पी के इतनी मोटी हो गई हैं। चलिए अब हम इनको खा पी के मोटे होंगे, अपनी सेहत बनाएंगे। ये देखो गंगा का कमाल। ये लो मम्मी जी की मेहनत है, ये सासू माँ की है ना गंगा, और सब मिलके खोदा है। मैं लास्ट में आई हूँ, असली मेहनत इन लोगों की है, मैंने खाली वीडियो में दिखाने के लिए आ गई हूँ लास्ट में। कोई बात नहीं, आज के लिए बहुएं ऐसी होती हैं। लास्ट में आती हूँ। सासू सारा गड़ भिड़ा में बुआरी चलाना। तो दोस्तों मिशन कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल रहा, और इन तैड़ों की जड़ों को लेके हम निकल पड़े अपने घर की ओर। पता है दोस्तों हमारे प्रभु श्री राम ने भी अपने वनवास के दौरान इन्हीं कंदमूल को खाकर अपना वनवास पूरा किया था। ये देखिए इनके चेहरों पे कितनी प्यारी मुस्कान है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।